गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का चैप्टर 13 जिसका शीर्षक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, आज हम उनको समझेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुहावरे किसे कहते हैं? अपनी बातचीत और लेखन शैली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी अपनी बातचीत जो करते हैं और जो लिखते हैं उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं, मुहावरा शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं जो वाक्यों को मूल अर्थ न देकर एक विशेष प्रकार का रूढ़ अर्थ देते हैं। ठीक है, मूल अर्थ न देकर क्या करते हैं वो, एक विशेष प्रकार का अलग तरह का क्या रूढ़ अर्थ देते हैं, है ना, जिनसे हम समझ जाते हैं इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, जो वाक्यांश, इसकी परिभाषा क्या होगी मुहावरे की, जो वाक्यांश भाषा में मूल अर्थ का बोध न कराकर एक विशेष प्रकार के अर्थ का बोध कराते हैं। क्या करते हैं, जो वाक्यांश भाषा में मूल अर्थ का बोध न कराकर एक विशेष प्रकार के अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मुहावरे। पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना का अर्थ क्या होता है, कोई अच्छा काम करने पर प्रशंसा करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, अवनीश कुमार ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसके पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई। नेक्स्ट है सिर ऊंचा करना, सिर ऊंचा करना यानी प्रतिष्ठा बढ़ाना, उसका अर्थ क्या होगा, प्रतिष्ठा बढ़ाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका, कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीतकर सारे विश्व में भारत का सिर ऊंचा किया था। थर्ड है हमारा अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होगा, मूर्ख। वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका, रजत बिल्कुल अक्ल का दुश्मन है, वह परीक्षा के दिनों में भी खेलता रहता है। फोर्थ है अपना उल्लू सीधा करना यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। वाक्य प्रयोग है इसका, कुछ लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि राष्ट्रीय विपत्ति में भी अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, आग बबूला होना, क्रोधित होना, आग बबूला होना माने क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग है अवनीश के पिताजी आजकल बात बात पर आग बबूला हो जाते हैं। यह हमारा 73 पेज नंबर पर थे। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 74, कुछ और मुहावरे हैं, इनमें केवल अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, वाक्य प्रयोग आपको खुद बनाने होंगे। जैसे घर फूंक तमाशा देखना का अर्थ क्या होता है, अपना नुकसान करके मौज करना। छोटे मुंह बड़ी बात करना का अर्थ क्या होता है, शेखी बगाड़ना। नेक्स्ट है टांग अड़ाना यानी अड़ंगा डालना, किसी काम में टांग अड़ाना यानी अड़ंगा डालना। टेढ़ी खीर होना, बहुत कठिन काम होना। ठीक है, नेक्स्ट है दांत खट्टे करना यानी हराना। सिक्स है दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी यानी पक्की दोस्ती होना, घनिष्ठ मित्रता होना। तूती बोलना यानी बहुत प्रभावशाली होना, तूती बोलना बोल बाला होना या प्रभावशाली होना। दाल न गलना वश न चलना, दो टूक बात करना यानी सच्ची बात को साफ साफ कहना। 99 का फेर का अर्थ क्या होगा, पैसे का लालच। 9-2-11 होना का अर्थ क्या होगा, भाग जाना। पट्टी पढ़ाना का चालाकी दिखाना। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। पाला पड़ना वास्ता होना। फूंक फूंक कर कदम रखना का अर्थ है सोच समझ कर काम करना। बंदर की घुड़की दिखाना यानी झूठा रौब दिखाना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। बात का धनी होना, वचन का पक्का होना। भाड़ा भाड़ झोंकना यानी बिना लाभ का काम करना। रंग में भंग पड़ना का अर्थ क्या होगा, आनंद में बाधा पड़ना। राय का पर्वत करना, छोटी बात को बहुत बढ़ाना। विष उगलना, विष उगलना यानी निंदा करना।
सिर पर भूत सवार होना किसी काम की धुन होना, सूर्य को दिया दिखाना का अर्थ क्या होगा, बहुत शक्तिशाली के सामने अपनी छोटी शक्ति दिखाना, यानी सूर्य को दिया दिखाना, है ना, आप समझ गए कि बहुत शक्तिशाली के सामने अपनी छोटी शक्ति दिखाना। सोने पे सुहागा होना, मूल्यवान वस्तु को और मूल्यवान बनाना, हवा हो जाना, भाग जाना, हाथ धोकर पीछे पड़ना या किसी काम के पीछे लगन से लगना, हाथ फैलाना का अर्थ क्या होगा, सहायता की याचना करना, हाथ मलना का अर्थ क्या होगा, पछताना, हाथ साफ करना, चुरा लेना, हाथों के तोते उड़ना, बुरा समाचार सुनकर घबरा जाना, हाथों के तोते उड़ना, बुरा समाचार सुनकर घबरा जाना, फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, पोल खुलना यानी भेद खुलना, फूल झड़ना मीठे वचन बोलना, पापड़ बेलना यानी कष्ट उठाना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे लोकोक्तियां, ये मुहावरे थे, अब है लोकोक्तियां। लोकोक्तियों को क्या कहते हैं, हम कहावत भी कहते हैं, लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। ये पूरे वाक्य के समान होती हैं और अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये क्या कहते हैं, लोकोक्तियों क्या कहा जाता है, कहावत कहा जाता है ना, कहावत भी कहा जाता है। ये पूरे वाक्य के समान होती हैं, सेम होती हैं वाक्य के, और अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करती हैं। जैसे अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होगा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा, अंधों में काना राजा मूर्खों में थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, राम हाई स्कूल पास होकर गांव चला गया, अपने गांव में केवल वही हाई स्कूल पास है, अंधों में काना राजा इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, है ना, ये कहावत है, लोकोक्तियां कहते हैं। ठीक है, मन चाहे वस्तु मिलना, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मन चाहे वस्तु मिलना, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, मोहन को बड़ी भूख लगी थी, सोहन ने कहा भैया मोहन रोटी खाओगे, तो वह बोला अंधा क्या चाहे दो आंखें। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, दुकानदार ने सोहन से कहा पुरानी पुस्तकें हमारे यहाँ बेचकर अधिक दाम प्राप्त कीजिए, इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अब है इसमें कुछ लोकोक्तियां हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं, है ना, आपको वाक्य प्रयोग भी करना है अपने फेयर नोटबुक में। आंख का अंधा नाम नैंसु, इसका अर्थ क्या होगा, गुणों के विरुद्ध नाम होना, आंख का अंधा है और नाम क्या है, नैन सुख, है ना, जिसको नैन का सुख है, जिनको नेत्र का आंख का सुख है उसको तो नहीं है जो अंधा है। ठीक है, तो गुणों के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, परमात्मा की लीला विचित्र है, इसका अर्थ क्या होगा, परमात्मा की लीला विचित्र है। आप सुखी जग सुखी, इसका अर्थ होगा सुखी को सभी सुखी लगते हैं। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इसका अर्थ क्या होगा, सबकी अपनी अपनी राय होना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बड़े को थोड़ी वस्तु देना, वो क्या कहलाता है, ऊंट के मुंह में जीरा। एक अनार सौ बीमार, इसका अर्थ क्या होगा, एक वस्तु के अनेक ग्राहक, यानी एक वस्तु को चाहने वाले एक से अधिक। एक और एक ग्यारह होते हैं, एकता में बड़ा बल है, एक और एक ग्यारह होना यानी एकता में बल होना। एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो काम निकालना, एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो काम निकालना। गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, गागर में सागर भरना यानी बहुत बड़ी बात को छोटे रूप में कहना। घाट घाट का पानी पीना यानी तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होती है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होगा कर्मों के अनुसार फल मिलता है, जो गरजते हैं
वह बरसते नहीं। इसका क्या अर्थ होगा? अधिक बोलने वाले कुछ काम नहीं करते। नौ दिन चले अढ़ाई कोस का क्या होगा अर्थ? बहुत अधिक समय में बहुत कम काम करना। लास्ट है छोटा चना बाजे घना। इसका क्या अर्थ होगा? छोटे आदमी दिखावा बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये लोकोक्ति हैं, उनके अर्थ हैं। आपको ये वाक्य प्रयोग करके अपनी फिर नोटबुक में करने हैं ना, 10 आपको मुहावरे करने हैं कोई से, लेकिन आपको ये सारे लर्न करने होंगे। ठीक है,